नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, विमला जी यमुनानगर से, स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो, नमस्ते डॉक्टर जी। जी बताइए। हाँ जी जी, मेरे को ना 4 साल हो गया दाना से निकला हुआ है नीचे कुल्ले पे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तकलीफ है क्या उसमें? हेलो, उसमें तकलीफ है दाने में जी? जी उसमें तकलीफ मेरा है, मेरा ना कुल्ले में ना दाना निकल। ठीक है। अच्छा देखिए, दो तरह से होता है, एक तो दाना होता है और वो बेजान होता, तकलीफ़ नहीं देता, तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए। अगर वो तकलीफ़ देता है तो बहुत आसान इलाज है, आलू या तो उबालिए या भून लीजिए और उसमें से उसे बीच में से काट कर और उसमें ज़रा सा तेल लगाकर वो आलू उस जगह पर या तो टेपिंग कर लीजिए या बांध लीजिए। ऐसा रोज़ाना किया करिए आप, रात को सोते में करेंगे तो बहुत अच्छा, तो फिर ये उसे नरम करके उसको बाहर निकाल देगा। बहुत जल्दी आप ठीक होने वाली हैं ऐसा महसूस करता हूँ। जी, तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगी, बेहतर अपने आप को महसूस आप लोग कर पाएंगी, लेकिन उसके लिए नुस्खे आपको अपनाने होंगे। दर्शकों देखिए, आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगी, आप लोग लाइव कार्यक्रम में जुड़ते हैं, समय बहुत कीमती यहाँ पर होता है और हकीम साहब अपना कीमती समय निकाल के आप सभी के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिए जिससे कि आपकी बात हम तक पहुँच पाए और हकीम साहब की बात आप तक पहुँच पाए, लेकिन उसके लिए आपको टीवी का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। बाकी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करना है अगर आप लोग कोई भी स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न करना चाहते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से, हमारे साथ प्रेम है रोहतक से, स्वागत है प्रेम आपका। हेलो, नमस्ते जी, बताइए। मेरे दादाजी हैं, उनको अधरंग है एक साइड का जी। मैं समझा नहीं बेटा। वो मेरे दादाजी हैं, उनको वो 75 साल के हैं, उनको अधरंग है, वो बहुत महीनों से है और ठीक नहीं हो रहा है कहीं से भी। बेटा मर्ज का नाम अधरंग मैं नहीं समझ पा रहा। वो लकवा। अच्छा, लकवा। ठीक है बेटा, एक तो आपकी उम्र और आपकी दादाजी के लिए तड़प ज़रूर उनको फ़ायदा पहुंचाएगी और भगवान भी खुश हो गया होगा कि इतना छोटा बच्चा अपने दादाजी से इतना अटैच है। और देखिए, एक सिरका आता है, जैतून का सिरका, सिरका जैतून या जैतून का सिरका आप लिख लीजिए, ज़रा मुश्किल से मिलेगा, और 2-3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी में डालकर सुबह और शाम उनको दीजिए। पानी में मिलाकर ही देना, काफ़ी तेज़ होता है ये, उस कोलेस्ट्रॉल को जिसकी वजह से फालिज हो जाता है और दिमाग में नर्व बंद हो जाती है जिसकी वजह से फालिज होता है, ये उस कोलेस्ट्रॉल, उस चकत्ते को, उस जमे हुए खून को ढूंढ कर निकालता है और ऐसे लोगों का ठीक होना मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं रामनाथ हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी हाँ, जी हाँ, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, सवाल कीजिए। पैर में सर सफेद दागी है, साल भर हो गए, नहीं मारे जो खुजलाते, दर्द वर्द नहीं है बस दवाई से? जी जी, पैर में आपको सफेद दाग है? जी हाँ। आपको तकलीफ? जी तकलीफ होती है आपको? तकलीफ नहीं होता है, खुजलाता है सर। ठीक है, खुजली होती है। हाँ देखिए, एक दवा जिसको कहते हैं बाबची, BABCHI, बाबची, हिंदी में लिख लीजिए बाबची, और एक दवा जिसका नाम है गॉन मोरिंगा, इन दोनों को 100-100 ग्राम खरीद लीजिए और ऐसे 2 चुटकी रोज़ाना पानी से लिया करें, गर्म पानी से, तो आपका ये रोग ठीक होना मुमकिन है। टाइम बहुत लग सकता है, हर महीने थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा तो आप समझ लें कि आपको फ़ायदा होने लगा जी। अगले कॉलर हैं गोविंद तनेजा यमुनानगर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी बताइए। मुझे शुगर की तकलीफ है और मेरे पैरों में ना आग निकलती है थोड़ी, जैसे पैरों में आग है तो वो बड़ी कई बार दिक्कत होती है।
बोल लेता हूँ मैं। अच्छा, एज कितनी है आपकी तनेजा साहब? 64 जी। अच्छा, देखिए एक नस्खा है शुगर के लिए और वो आप ले सकते हैं। जैतून का सिरका 3 चम्मच रात को पी कर सोया करें, आपकी ये शुगर भी कंट्रोल करेगा और पैरों की आग पर भी असर अंदाज होगा। तो चलिए बस ये छोटा सा नुस्खा आपको अपनाना है, फिर देखिएगा आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, आपके पैरों में जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन नुस्खे वैसे ही अपना लीजिएगा जैसा कि आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो कॉपी पेन लेके दर्शकों जरूर बैठिए क्योंकि लाइव कार्यक्रम चल रहा है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको ही उस कीमती वक्त का लाभ उठाना है, यानी कि आपको हमसे जुड़ना है लाइव कार्यक्रम में। अगर आप लोग बात करना चाहते हैं उनसे तो फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मीना, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सवाल करिए। मेरी सिस्टर है, ठीक है, 45 ईयर्स, ठीक है, उससे है ना लिवर है ना 45% डैमेज हो चुका है जी। ठीक, तो उसके लिए कोई उपाय हो दवा जी? हाँ देखिए, बहुत ख्याल रखिए उनका और बड़ा मुश्किल काम है इसका ठीक होना। और चर्बी वगैरह तो सब छोड़ ही दी होगी आपने, कोई भी चिकनी चीज़ छोड़ दीजिए, उससे भी आदमी को बहुत फ़ायदा होता है। और देखिए, एक सिरका आता है और उसको कहते हैं एलोवेरा का सिरका, सिरका एलोवेरा का 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम इनको पानी में मिला के पिलाया करें और हर महीने की रिपोर्ट उनकी अगर आप कराते रहें तो आपको पता होगा कि कितना फ़ायदा होने लगा। ज़रूरत पड़ने पर ये 2 चम्मच की जगह 3 चम्मच भी लिया जा सकता है, आप इन्हें दीजिए और खूब इनका ख्याल रखिए और मैं भी दुआ करूँगा कि इनको फ़ायदा हो जाए जी। नेक्स्ट कॉलर हैं हंसराज जी, दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। मेरे पापा हैं, उनको खांसी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उम्र क्या है उनकी? 76 ईयर है। उनको सांस बहुत फूल रही है, गैस बहुत बनती है उनको, जब गैस इतनी बनती है कि वो बेचैन हो जाते हैं, उनका सिर चक्कर आने लग जाते हैं जी। और उनको खांसी में इतनी खांसी आती है, जब तक उनका कफ नहीं निकलता ना तब तक उन्हें चैन नहीं आता जी, कफ बहुत बन रहा है। ठीक। अच्छा देखो बेटा, इनको बहुत ख्याल रखो, सीने के मर्ज, फेफड़े के मर्ज इस वक्त बहुत ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, जो ये माहौल चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में। तो एक तो 5 गिलास गर्म पानी उन्हें पिलाया करें और दवा बतौर अगर देना चाहें तो उन्हें माजून आर केयर सुबह शाम दीजिए 1-1 चम्मच गर्म पानी से। और घरेलू नुस्खा बनाना चाहें तो सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें और 20 ग्राम इसमें पीपलें जो आपके किचन में रहती हैं, 1.5 इंच की एक लंबी सी चीज़ होती है जिसे गरम मसालों पीपलें कहते हैं, 20 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं और सुबह शाम 1-1 चम्मच गरम पानी से खिलाएं तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। अगली कॉलर है सोनम महाराष्ट्र से हमारे साथ, स्वागत है सोनम आपका। हेलो, हाँ जी बताइए। मैम मेरा सवाल ये था जी कि हमेशा मेरे लेग में पेन होता है और स्पेशली जो एरिया होती है उसमें काफ़ी दर्द होता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं ये जानना चाहूँगी। और इन दी सेंस एज अ मेरा वेट 70 kg, तो इसे मैं जल्दी कैसे कवर कर सकती हूँ ये मुझे बताइए जी। हाँ देखिए, एक तो बहुत घरेलू और आसान इलाज ये है कि जितनी आपकी खुराक है वो आधी कर दीजिए और गर्म पानी 5 बार पिए और 1 घंटा पैदल चलें, इससे भी वेट कम होता है और कम से कम 2-3 किलो वज़न कम होता है 1 घंटा पैदल धूप में चलें। और अगर आप गोंद स्याह खरीद लें
100-200 ग्राम और आधा आधा ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करें इसको खाने के बाद, तो आपके ये दर्द भी जाना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है विमला हमारे साथ हिमाचल से, स्वागत है आपका। जी बताइए, सवाल करिए अपना। जी जी आदा, मेरा ना कैस्ट्रोल बढ़ता है। ठीक है, कैस्ट्रोल बढ़ता है मेरा। और थायराइड है मेरे को। जी, एक तो थायराइड है और कैस्ट्रोल बढ़ रहा है। यदि थायराइड है तो ये चर्बी जिस्म में बढ़ेगी, और थायराइड कंट्रोल किए बगैर ये मोटापा भी रुकने वाला नहीं होता। और थायराइड का मैंने इससे बेहतर अपनी ज़िंदगी में नुस्खा नहीं देखा कि धनिया हो 300 ग्राम, और ये रॉ मटेरियल ही लीजिए, धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, इनको इसमें 100 ग्राम गौन मोरिंगा मिला लें। 100 ग्राम गौन मोरिंगा मिला के, गौन मोरिंगा असली लेना है, बाकी चीज़ों की तो आपको पहचान है, इसको पाउडर बना लें और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम लें, और वो दवा भी लें जो आपको डॉक्टर देते हैं, वो हर महीने थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी और बहुत जल्द आपका थायराइड ठीक होना मुमकिन है, इससे आपकी चर्बी पर कंट्रोल हो सकता है। तो विमला जी, आपको जो नुस्खे यहाँ पे बताए हैं वो आज से ही शुरू कर दीजिएगा, फिर आपका थायराइड भी कंट्रोल में आ जाएगा, मोटापा भी कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन सेवन आपको वैसे ही करना है जैसे बताए गए हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी बात सुनने से चूक जाती हैं तो इतनी जल्दी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तभी बार बार कहा जाता है कि जो कॉलर्स यहाँ पे जुड़ते हैं कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, अगर आप लोग कोई भी बात सुनने से छूट जाते हैं तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर लगातार दिखाए जा रहे हैं, आप इन पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सिर्फ खुद के लिए सोचना है और एक प्रयास करना है, इन नंबर्स पर कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी, नाम बताइए। अजय दास। क्या नाम है? अजय दास। जी सवाल करिए अपना। मेरा बैक का दिक्कत है। जी बैक में दर्द होता है आपको? पेट में दर्द नहीं, हजम नहीं होते। जी जी पेट में दर्द होता है। एज कितनी है बच्चा आपकी? पेट में। जी जी, उम्र कितनी है? उम्र 25-27। ठीक है, तो देखिए वैसे तो इस उम्र में दर्द होना अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा कम उम्र है आपकी, और एक सोनोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए, उसके बाद दवा लेनी चाहिए। फिर भी आपने फ़ोन किया है तो मैं बता देता हूँ कि आपको रोज़ाना बेल का मुरब्बा खाना है। सुबह को उठें, बेल का मुरब्बा मार्केट में मिलेगा, एक कतला उसका एक पीस 3-4 इंच का रोज़ाना सुबह खाली पेट खाया करें और गर्म पानी पिया करें, तो पेट की तकलीफ़ जाना मुमकिन है। और इससे नहीं जाए तो फिर आप अपना चेकअप ज़रूर करा लें, एक सोनोग्राफी अपने पेट की, ताकि आसानी से पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं ठाकुर जी हमारे साथ हिमाचल से, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, आदाब। मेरी बहुत चीज है, सब से बात करा दो भाई। जी जी मैं बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ जी सर, बहुत चीज है, अगर मेरी एक टांग में सीधे से और पैर अंगुलियां भी सुन है वो उठे, टांग में दर्द होती है चलते चढ़ाई में भी। जी बवासीर भी है? हाँ जी, आपके पैर में दर्द है, टांगों में उंगलियों में, और पाइल्स भी है, बवासीर भी है, कमर तक, कमर का दर्द? हाँ जी कमर से होती है, नीचे पांव तक और पैर के उंगलियां सुन रहे। समझ गया, आप अपना खूब ख्याल रखें, और एक नुस्खा बहुत आसान है, एक काला गौंद, यानी गौंद स्याह नाम से हम जिसे जानते हैं, ये पूरे विश्व में मशहूर है और मुश्किल से मिलता है, नकली भी मिलता है, तो काला गौंद लीजिए असली,
रॉ मटेरियल लेना, कच्ची दवा लेना, फिर इसको घर में फोड़ के तोड़ के और इसका पाउडर बनाएं और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएंगे तो ये 200 ग्राम जो गोंद आप लेंगे ये ख़त्म होते होते आपकी तबीयत बेहतर होना मुमकिन है।